वेलकम टू चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम एडवोकेट तनुषा मिश्रा है। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, जो टॉपिक लेकर आए हैं, वो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पर है, जो हरियाणा जुडिशरी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हरियाणा जुडिशरी में इस एक्ट से 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। और ये हमारे टारगेट फॉर आईक्यू का कॉन्टैक्ट नंबर है 7500110314। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो लॉ पेपर 1 सिविल लॉ 1 का पार्ट है, वो है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये कौन से नंबर का एक्ट है? ये एक्ट नंबर 9 है। ठीक है, एक्ट नंबर आपको जरूर पता होना चाहिए, बिकॉज एक्ट नंबर पूछ लेते हैं। तो ये कौन से नंबर का एक्ट है? ये एक्ट नंबर 9 है। 8 अप्रैल 1932 को आया था ये। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें कितने हैं? 8 है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें 8 है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इसमें 72 है। ठीक है, अब 72 सेक्शंस हैं, तो हमें सारे तो नहीं पढ़ने 72, बट इन 72 में से 4 कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं या 5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बिकॉज हरियाणा में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये है क्या। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, जैसे इसका नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो नाम से ही क्लियर है कि द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात हो रही है। तो इसमें किसी पार्टनर की बात हो रही होगी, 2 पर्सन होंगे इसमें। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं हम। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक बार हरियाणा एग्जाम में आ चुकी है, तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू पोलक, ठीक है, पालक नहीं, पोलक, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ भी हो सकता है, बट मैं इसे पोलक बोलती हूँ, आप कुछ और मतलब प्रोनाउंस कर सकते हैं इसे, बट POLLOCK, ठीक है। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे कि अकॉर्डिंग टू पोलक क्या कहते हैं। ये कहते हैं पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। अब रिलेशन तो 2 इंसानों में बनेगा, है ना, जानवरों में नहीं बनेगा, और लॉ इंसानों की बात करता है यहाँ पे। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन विथ सब्सिस्ट विथ पर्संस, या ये पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है जो पर्संस के बीच में एग्जिस्ट करता है, हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो एग्री करते हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, जो कि इस चीज पे एग्री करते हैं। वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इस चीज पे एग्री करते हैं कि जो भी प्रॉफिट्स होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो हम शेयर करेंगे, और एनी ऑफ देम बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम, या फिर जो भी प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, हम उसे पेयर करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोलक ये कहते हैं कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन विद सब्सिस्ट विद पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब हम इसके एसेंशियल जानेंगे, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन की बात करता है, जो ये एक्ट है ये रिलेशन की बात करता है, जो कि 2 पर्सन में एस्टेब्लिश होंगे। तो वो कौन सा रिलेशन है, क्या एसेंशियल है, वो जानेंगे, फिर हम सेक्शंस की बात करेंगे। और हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए, क्रैश कोर्स हमने चला रखा है। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग क्रैश कोर्स, रिगार्डिंग हरियाणा टेस्ट सीरीज, तो आप इस दिए नंबर पे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अब अपने टॉपिक पे आते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, एसेंशियल्स पे, कि एसेंशियल्स क्या है, तो सबसे पहला एसेंशियल इसका है एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट है इसका सबसे पहला एसेंशियल। अब एग्रीमेंट कैसे? अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फॉर स्टेटस। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि एग्रीमेंट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, अराइजिंग फ्रॉम स्टेटस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या टिक करना है? अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सेकंड इसका है टू शेयर ऑल प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। अब टू शेयर ऑल प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, कहाँ पे बिजनेस की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? सेक्शन 2B में, सेक्शन 2B ऑफ कहाँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब इंक्लूड्स इसमें क्या क्या है? इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ठीक है, सेकंड एसेंशियल इसका है टू शेयर ऑल प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन कहाँ है? बिजनेस की डेफिनेशन सेक्शन 2B में है, इंक्लूड्स ऑल ट्रेड, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड एसेंशियल इसका क्या है? शेयरिंग प्रॉफिट। शेयरिंग प्रॉफिट किस केस में था? ये ग्रेस वर्सेस स्मिथ, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था शेयरिंग द प्रॉफिट इज एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। बट शेयरिंग द प्रॉफिट, अगर आप कोई प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस में, तो वो एक पुख्ता सबूत है कि आप दोनों के बीच में पार्टनरशिप के रिलेशन मेंटेन है। बट एविडेंस इज नॉट कॉन्क्लूसिव, बट वो एविडेंस कॉन्क्लूसिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब एविडेंस कॉन्क्लूसिव एविडेंस क्या होते हैं, इसकी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उसको देख लीजिएगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कॉन्क्लूसिव एविडेंस क्या है, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप डली हुई है हमारे चैनल पे, आप देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे मैं आपको कॉन्क्लूसिव एविडेंस समझाने लग जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। सो शेयरिंग प्रॉफिट इज एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, बट एविडेंस इज नॉट कॉन्क्लूसिव। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें
बात कही गई जिसमें ये था, इसमें ये बात थी द एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन अ ऑन बाय पार्टनर्स, तो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है बिजनेस का जो दो पार्टनर्स कैरी कर रहे हैं विद एन एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट तो हो गया, ये एक बात हो गई, एक्चुअल एग्जिस्टेंस किस चीज से माना जाएगा, विद एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ सच बिजनेस, जो भी उस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है वो अगर वो शेयर कर रहे हैं तो एक्चुअली ये माना जाएगा कि पार्टनरशिप रिलेशन मेंटेन है, बट क्या सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना है, इस बात का कॉन्क्लूसिव एविडेंस है कि पार्टनरशिप है दोनों पार्टीज के बीच में, एज वेल एज शेयरिंग लॉसेस, ठीक है, लॉसेस भी हमेशा हमें लॉस में शेयर करना पड़ेगा, तभी इसका कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो पाएगा, कोई पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो रन कर रहा है, प्रॉफिट के साथ साथ हमें लॉस भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होने के लिए, पार्टनरशिप एक्ट होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है, मतलब दो या फिर दो से ज्यादा लोग, दो भी हो सकते हैं, ए बी या फिर ए बी सी डी, कुछ कितने भी हो सकते हैं। फिर सेकंड पार्ट टॉपिक क्या है, एग्रीमेंट होना चाहिए, थर्ड शेयरिंग प्रॉफिट, फोर्थ म्यूचुअल एजेंसी, सिर्फ शेयरिंग, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता, लॉस भी हमें शेयर करना पड़ेगा साथ के साथ। ये जो केस है कॉक्स वर्सेस हिकमैन, ये इंपॉर्टेंट केस है, इस केस को आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता ही आता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो राइट्स है, उसके बाद लाइबिलिटीज है, तो हमारा ये जो एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट, 4-5 क्वेश्चन की वेटेज इसकी मैंने आपको बता रखा है, तो ये आज हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन वीडियोस थी। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज और सेक्शंस डिस्कस करेंगे हम, और आपको अगर कोई भी पेड कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7500110314 पे, और हमने क्रैश कोर्स वगैरह भी चला रखा है तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टारगेट फॉर आईक्यू का एक टेलीग्राम पे पब्लिक ग्रुप भी है, आप वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।